तो हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोग आपके विंडोज 11 पीसी में एपीके या फिर एंड्रॉइड एप्लीकेशंस को कैसे चला सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ब्लू स्टैक से नहीं चलाना है भाई, ब्लू स्टैक हम लोग इंस्टॉल नहीं करेंगे, क्योंकि हम सभी को पता है कि विंडोज 11 में ऑफिशियली वो लोग एंड्रॉयड सपोर्ट करता है, लेकिन हम लोगों के पास जो भी अपडेट आया है वहां पर एंड्रॉयड अभी फिलहाल के लिए सपोर्ट नहीं करता। तो दो प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, अगर आप लोग इंडिया से है या फिर बाहर के किसी भी कंट्री से है तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को पूरा कंप्लीट हेल्प इस वीडियो के साथ मिल जाए। तो फर्स्ट हम लोग मेथड वन पे चलेंगे। मेथड वन पे हम लोगों को क्या करना है, हम लोग सिंपली जाएंगे हमारे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाएंगे। स्टोर खुल जाने के बाद आप लोगों को यहां पर Amazon लिखना है, क्योंकि विंडोज 11 में Amazon का एप स्टोर जो है वो यहां पर सपोर्ट करता है। तो Amazon एप स्टोर जो है यहां पर आप लोगों को मिल जाएगा। जिन लोगों को नहीं मिलेगा एप स्टोर में, उन लोगों के लिए मेथड टू भी है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा कंप्लीटली देखिएगा। तो जिन लोगों का Amazon एप स्टोर शो कर रहा है वो लोग क्या कीजिएगा, सिंपली इसको इंस्टॉल कीजिएगा आपके पीसी में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पीसी में जो Amazon का एप स्टोर है वो अभी डाउनलोड हो रहा है। तो ये वाला कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि Amazon एप स्टोर में कैसे लॉग इन करते हैं और आप लोग कैसे एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोगों के मशीन पे जो है Amazon एप स्टोर जो है वो इंस्टॉल हो गया है, हम लोग अभी Amazon को ओपन कर लेते हैं। तो एक चीज मैं आप लोगों को नोट दे देता हूं कि विंडोज सब सिस्टम फॉर एंड्रॉइड ये वाला एप्लीकेशन जो है ये बहुत सारे विंडोज 11 पीसी में इंस्टॉल्ड नहीं रहेगा। तो इसको भी कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। अगर आप लोगों को ये वाला मैसेज आया कि आप लोगों को ये वाला सॉफ्टवेयर लगेगा तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि कैसे आप लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि Amazon का ऐप स्टोर जो है वो ओपन हो गया है। यहाँ पर आप लोगों के पास अगर Amazon का पहले से आप लोगों के पास Amazon का अकाउंट है तो आप लोग यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों के पास नहीं है तो वो लोग यहाँ पर क्रिएट Amazon अकाउंट कर सकते हैं। लेकिन आई बिलीव कि आप सभी के पास Amazon का जो प्रोफाइल है वो रहेगा ही, हाँ, जिससे आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो वाला क्रेडेंशियल ही यहाँ पर काम कर जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को सिंपली आपका जो ईमेल आईडी है ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, और नीचे आप लोगों का जो पासवर्ड है पासवर्ड आप लोग यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो पासवर्ड डालने के बाद मैंने यहाँ पर साइन इन भी क्लिक किया है। तो देखते हैं ये वाला एप्लीकेशन अभी खुल रहा है मेरे मशीन पे। वो हम लोगों का जो Amazon ऐप स्टोर है वो हमारे कंट्री में नहीं चलेगा, मतलब इंडिया में अभी तक ये वाला अवेलेबल नहीं हुआ है। तो निराश होने की कोई बात नहीं है, ये वाला जो प्रोसेस है ये बहुत सारे कंट्रीज में चलेगा। अगर आप लोगों को इंडिया में रह के ही इसको चलाना है तो आप लोगों को पता है क्या करना पड़ता है, आपको VPN जो है VPN डालना पड़ता है। अगर आप लोग VPN को ऑन कर लेंगे, दूसरे किसी कंट्री में लोकेट कर देंगे, तो आपका ये वाला जो है ये भी चल जाएगा। तो ठीक है, मेथड वन में यही था जो कि एकदम ईजी प्रोसेस है। दूसरा वाला मेथड पर हम लोग चलते हैं, इसको फिलहाल हम लोग साइन आउट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर ये वाला नहीं चलेगा। तो अभी चलते हैं मेथड टू के अंदर। मेथड टू में भी आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में ही आना है। आने के बाद आप लोग यहां पर सर्च करेंगे WSA टूल्स। सर्च होने के बाद देखिए यहां पर पहला वाला जो टूल आप लोगों को दिख रहा है यहां पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद इसका इंस्टॉल करने का बटन भी मिल जाएगा, इसको इंस्टॉल कर दीजिए आपके पीसी में। तो ये वाला इंस्टॉल भी हो गया। एक चीज मैं आप लोगों को रिमाइंडर दे देता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड में जो लाल बटन है उसको ग्रे कर दीजिए, और बेल नोटिफिकेशन में भी ऑल पे सेट करके रखिए, क्योंकि मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरे चैनल पे रेगुलर डालता हूँ और आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ तो एक लाइक तो बनता है बॉस। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए अभी बैक करते हैं वीडियो में। तो ये वाला जो एप्लीकेशन है ये आपके पीसी पे इंस्टॉल होने के बाद आप लोग इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर मेरे को दिखा रहा है कि इंस्टॉल एंड एपीके, लेकिन यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कि ADB इज मिसिंग, मतलब आपके पीसी में ABD मिसिंग है। इसके लिए आप लोगों को इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। सिंपली आप लोग इंस्टॉलेशन में क्लिक कर दीजिएगा तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड हो जाएगा। होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ADB के लिए एक फोल्डर चूज करके देना है आप लोगों को। आप लोग सिंपली आपके सी ड्राइव में चले जाइएगा, वहां पर जाके आप लोग ADB का एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिएगा, इसको सिलेक्ट कीजिए इंस्टॉल ABD हेयर। करने के बाद देखिए ये वाला इंस्टॉल हो गया है। अभी देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि इंस्टॉल एंड APK। अभी APK हम लोगों को कहाँ से मिलेगा, आप लोग ब्राउजर को ओपन कीजिए। APK पूर्व करके एक वेबसाइट है,
जहां पर एपीके वगैरह मिलता है आप लोगों को, उस वेबसाइट में चले जाइए। यहां पर देखिए बहुत सारा एपीके जो है वो अवेलेबल है आप लोगों को, जो भी एपीके लगेगा। सपोज आप लोगों को इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब का एपीके लगेगा, या फिर मैसेंजर का आपको एपीके लगेगा, या फिर यूट्यूब विंस्ट का, ये वाला मैं यूट्यूब विंस्ट जो है इसको ही मैं डाउनलोड कर देता हूँ अभी, तो इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ। तो जब तक ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहा है, मैं आप लोगों को और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपके मशीन पे विंडोज 11 का अपडेट नहीं आया, तो ऊपर आई बटन में मैं एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, जहाँ पर उस प्रोसेस को यूज़ करके आपके विंडोज 10 पीसी को विंडोज 11 में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एंड अपडेट भी आपके पीसी में आ जाएगा, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो फाइनली हम लोगों का जो एपीके था यूट्यूब का वो यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। हम लोग फिर से वापस जाते इस एप्लीकेशन में WAS टूल में, यहाँ पर देखिए इंस्टॉल एंड एपीके का ऑप्शन डाला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एपीके चूज करने का हम लोगों को जगह दे दिया था, अभी हम लोगों को हमारा जो एपीके है उसको लोड करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी डाउनलोड किया था यूट्यूब विंस्ट, इसको लेंगे और इसको लोड एपीके कर देंगे। देखिए यहाँ पर आपका लोगो आ गया, एप्लीकेशन आ गया यहाँ पर इंस्टॉल ऑप्शन में, इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। तो जब भी आप लोग इंस्टॉल करने जाएंगे तो यहाँ पर एक देखिए बता रहा है कैन नॉट कनेक्ट टू WSA, मेक श्योर ADB इज एनेबल इन द विंडोज सब सिस्टम फॉर एंड्रॉइड सेटिंग्स ऐप एंड रिट्राई। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, आप लोग स्टार्ट पे जाएंगे, ऑल एप्लीकेशन पे चले जाएंगे, एकदम नीचे जाना है आप लोगों को। यहाँ पर देखिए विंडोज सब सिस्टम फॉर एंड्रॉइड सेटिंग, अगर आपके पीसी में ये वाला सॉफ्टवेयर जो है, ये वाला जो एप्लीकेशन है ये अगर शो नहीं करता, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप लोग माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाके भी इसको मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं लिखने के बाद। तो मैं यहाँ पर मेरे पीसी में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं उस पर चला जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये जो डेवलपर मोड जो है इसको ऑन कर देना है। ये ऑन हो गया आपका, ये जो ग्राफिक्स है, अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड वगैरह है तो ग्राफिक्स कार्ड को डाल दीजिएगा, नहीं तो आपका जो बाय डिफॉल्ट सेट हुआ है उसी को रख सकते हैं। जैसे कि मेरा NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड है, तो मैं NVIDIA को चूज कर देता हूँ। तो ये सब हो जाने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद मैं फिर से यहाँ पर जाऊँगा, रिट्राई करूँगा। देखिए यहाँ पर मेरा जो इंस्टॉलेशन है वो अभी स्टार्ट हो गया है मेरे पीसी में। देखिए ये वाले इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर ओपन एप्लीकेशन का एक ऑप्शन आ गया है, तो ओपन कर देते हैं। तो एज यू कैन सी कि मेरा जो यूट्यूब विंस्ट है वो यहाँ पर अभी फिलहाल चल रहा है। तो ऐसे ही करके मैं और एक सॉफ्टवेयर को मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये वाला ठीक ठाक काम करता है कि नहीं करता। फिर से मैं इसको ओपन करूँगा। मैंने और एक एप्लीकेशन जो था वीडमेट का, उसको भी डाउनलोड करके रखा था, इसको भी लोड एपीके कर देते हैं, इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं पीसी में। इंस्टॉल्ड हो गया है, ओपन ऐप करते हैं। ये देखिए आपका वीडमेट जो था, वीडमेट भी यहाँ पर चल रहा है आराम से। आप लोग इसको लार्ज कर सकते हैं, इसको छोटा भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही करके आप लोग कोई भी एंड्रॉइड का एप्लीकेशन आपके विंडोज 11 पीसी में रन कर सकते हैं। तो गाइस ये वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये मेरे को जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ वैल्यू मिला है तो वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो करके रख सकते हैं। कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी रिक्वेस्ट अगर आपको रहेगा तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर और हाँ गुड बाय।